अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। एक भाई ने सवाल भेजा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने तो 11 शादियां फरमाईं और बयक वक्त आपकी 4 से ज़ायद अजवाज थीं, तो कुरान करीम में मुसलमानों को सिर्फ 4 शादियों तक की इजाज़त क्यों, इसकी क्या तफसीलात है? उन्होंने सवाल पूछा। मैं कहा कि इस सवाल को तो मैं एक और दर्स में डिस्कस करूंगा। इस दर्स में एक और बात डिस्कस करता हूं। कुछ ख्वातीन इस किस्म के सवालात भेजती हैं जो सुनकर पढ़कर अफसोस भी होता है, लेकिन साथ साथ सोचता हूं कि कहीं ना कहीं उन तक इल्म नहीं पहुंचा कि मर्द अगर 4 कर सकता है तो औरतें 4 मर्द क्यों नहीं रख सकती। यानी एक लम्हे को अगर इस बात को इंसान अपने जहन में प्रोसेस करे ना तो घिन आती है। एनीवे, जो इल्मी लतीफ़ा आज आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि ये रियल वाकया है कि एक खातून मेंबर ने असेंबली में ये सवाल उठाया था। पुरानी बात है, आप समझ लें 60s की बात होगी शायद, कि खातून मेंबर ने सवाल उठाया था कि मर्द को 4 की इजाजत है तो औरत को 4 खावंद रखने का हक क्यों नहीं। तो एक मौलवी साहब भी वहां मौजूद थे असेंबली में, उन्होंने इसका बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। उन्होंने खातून को मुखातिब करके कहा कि बेगम साहेबा, आप 4 क्या 20 करें, 30 करें, आपके लिए तो कोई रुकावट नहीं है। मुमानियत तो कुरान का हुक्म मानने वालों के लिए, ना मानने वालों के लिए तो कोई पाबंदी नहीं है। तो दैट इज द बॉटम लाइन। जो सवाल उठाते हैं ना, वो ये नहीं सोचते वो सवाल किस पर उठा रहे हैं, वो कुरान पर उठा रहे हैं। और कुरान क्या है? वो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है, और अल्लाह हकीम है, हिकमत वाला है, दाना है, आलीम है, सबसे ज़्यादा इल्म वाला है। सब इल्म की इंतहा और हर इल्म की इब्तिदा उसी की ज़ात है। हर मामले में वही इंतहा है, वही इब्तिदा है। अल्लाहु अकबर, तमाम खुसूसियात उसी से मुंसलिक हैं और वही तो है, वरना हम और कोई हैसियत नहीं रखते। लेकिन जिनकी नज़र वहाँ नहीं होती वो फिर उलझते रहते हैं इन मामलात में। कहने का मकसद ये कि ये सवालात आज भी कभी मगरिब से उठाए जाते हैं, कभी मगरबी माइंडसेट रखने वालों से, या सो कॉल्ड अपने आप को इनलाइटेड कहने वाले भी ये सवाल उठाते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि ये सवाल कहाँ उठा रहे हैं। देखे ना, एक आदमी का काम है कुरान करीम की आयाए मुबारक लोगों के सामने बयान करना, वो अल्लाह का हुक्म बयान कर रहा है। और जिनसे बयान कर रहा है उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो बयान करने वाले पे तनकीद कर रहे हैं, ये क्या बात हुई? तो भाई ये मेरी बात नहीं है, ये मेरे रब की बात है, मैंने तुम तक रब का पैगाम पहुंचा दिया है। अगर तुम मानते हो तो ईमान वाले हो, मुसलमान हो, नहीं मानते हो तो इनकार वाले हो, काफिर हो। सिंपल एज दैट। इसमें कोई घुमा के फिरा के कोई बात नहीं है, किसी को खुश करना मकसद नहीं है। अल्लाह का हुक्म बंदों के लिए, और अला यालमु मन खलक, क्या वो नहीं जानेगा जिसने बनाया है? सिंपल एज दैट। हाँ, तफसील इंशाअल्लाह ताला इसकी मैं आपको दूंगा कि मुसलमानों को 4 से ज़ायद शादियां करने का कुरान करीम में हक दिया गया है, शर्त नहीं लगाई गई कि करना ही करना है। ये भी एक बड़ा मसला है, लोग समझते हैं कि बस करना ही करना है। अगर ऐसे करना होता ना मेरे भाइयों, तो हर मुसलमान की फिर 4 से कम तो होती नहीं, ऐसा है नहीं। खाल खाल होंगे जिनकी एक से ज़्यादा होगी। तो कुरान करीम ने बयक वक्त 4 से ज़ायद निकाह करने की इजाज़त नहीं दी। तो अब सवाल वो ये उठाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो बयक वक्त 9 शादियां थीं, तो फिर ये क्या होगी बात?
तो इंशाअल्लाह ताला इस पर मैं बात करूंगा एक अलग दर्स में। लेकिन मर्द को चार शादियां करने की इजाज़त है तो औरत को एक से ज़्यादा बैक वक्त निकाह करने का हक क्यों नहीं दिया गया? तो देखें जी, मर्द चार बीवियां कर सकता है तो औरत चार खावन क्यों नहीं कर सकती? इसका भी एक संजीदगी के साथ जायज़ा लिया जाए तो इसकी वजह भी समझ में आ सकती है। देखिए जी, ख़ानदान को न सिर्फ इस्लाम ने बहुत ज़्यादा अहमियत दी है और इसे सोसाइटी का बुनियादी यूनिट करार दिया, बल्कि दुनिया के हर महज़ब फ़लसफ़े में ख़ानदान की अहमियत को तस्लीम किया गया है। इसको आप कहते हैं ना फैमिली। ख़ानदान के क़याम व इस्तेहकाम की बुनियाद नसब के तहफ़ पर है और नसब के तहफ़ पर ही ख़ानदान की तश्कील और बका का दारोमदार है कि किसका नसब है भाई। क्योंकि जब तक तायुन और तहफ़ ना हो, इन रिश्तों का तायुन भी नहीं हो सकता जिनसे ख़ानदान की तश्कील होती है। एक मर्द जितनी ज़्यादा औरतों से जिनसी ताल्लुक रखे, जायज़ और नाजायज़ की बहस नहीं कर रहा हूँ मैं, एक बात कर रहा हूँ, नसब के तायुन में कोई मुश्किल नहीं आती क्योंकि नसब के साथ साथ मुतालिका रिश्तों का तायुन भी आसान हो जाता है कि बीवी डिलीवर करती है या औरत डिलीवर करती है और पता होता है कि ये किस मर्द का बच्चा है। तो अब उस मर्द के जो बहन है वो इसकी फूफी हो गई, उसकी माँ इसकी दादी हो गई, वो तमाम रिश्ते ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं। लेकिन अगर एक औरत के बैक वक्त मुतअद्दिद शौहर हों तो कैसे पता चलेगा कि किसका बच्चा है, रिश्ते कैसे तायुन होंगे? यू नो, ये जेनेटिक्स वगैरह ये सारी चीज़ें, असाइड फ्रॉम दैट, इट्स नॉट, हर जगह ये चीज़ें नहीं मौजूद, कीप दर असाइड फॉर अ मिनट। ये तो तुम 21वीं सदी में बैठकर एक मखसूस इलाकों में बैठ के बात कर रहे हो, आज भी 21वीं सदी में हर जगह फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हैं। तो तुम नसब पता ही नहीं कर सकते कि किसका बच्चा है। तो ये मसला जाहिलियत के दौर में भी था जबकि जिना की खुली इजाजत थी, लेकिन उन लोगों ने इस मसले का हल निकाल रखा था। बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जाहिलियत के दौर में आम तौर पर बहुत सी औरतें मुतअद्दिद मर्दों के साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम कर लेती थीं, लेकिन बच्चा पैदा होने की सूरत में वो औरत ऐसे मर्द का तायुन करके इन्हें तलब करती थी और सबकी मौजूदगी में इनमें से किसी एक को मुखातिब करके कहती थी, ये तेरा बच्चा है। किसी शख्स को इस फैसले से इनकार की जरूरत नहीं होती थी और इसे बच्चे की जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ती थी, जबकि इससे ज़्यादा इश्तबाह की सूरत में कि भाई वो किस में मिलेगा, एक शख्स, एक प्रोफेशन होता था कयाफा शनास, वो आँख नाक देख के फिगर आउट करता था कि किसकी औलाद है, तो उसको बुलाया जाता था। जो औरत की तरफ से जिनसी ताल्लुक़ के हवाले से नामज़द किए जाने वाले मर्दों में से क़याफ़े की बुनियाद पर किसी एक का तायुन कर देता था और इस मर्द को बच्चे के बाप के तौर पे ज़िम्मेदारी कबूल करनी पड़ती थी। तो ये एक अपनी ज़ात में एक बड़ी घिनौनी रस्म थी कि एक औरत कई मर्दों से ताल्लुक़ कायम रखे, और ये घटिया चीज़ हो, लेकिन उन घटिया जहनीत वालों में भी नसब की तायुन का जहाँ मामला था उसमें देवर वेरी सीरियस। अब उन ममालिक में आ जाएं जहाँ पर सिंगल पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा आम हो गई है, उनके कानून के तहत बाप और नसब के तायुन को ही उन्होंने गैर ज़रूरी करार दे दिया है कि बस बर्थ सर्टिफिकेट पर माँ का नाम हो काफ़ी है, कोई नहीं पूछता बाप का नाम अगर है या नहीं है, क्योंकि वो उस मुकाम पर पहुँच गए हैं कि पूरा एक फैमिली सिस्टम तबाह हो गया है, रिश्ते पामाल हो गए हैं। जब पता ही नहीं बाप है कौन है, या अगर पता करने की ज़रूरत ही नहीं समझते, तो ज़िना आम होगा। बच्चे को पता ही नहीं है रिश्ते क्या होते हैं। अल्लाह ना करे कल करा को वो किसी अपने महरम से रिश्ता कायम कर ले, ना महरम को पता है कि ये मेरा महरम है, ना मर्द को पता है ना औरत को पता है। तो इसलिए ख़ानदान एक इंसानी सोसाइटी की बुनियादी यूनिट की हैसियत हासिल है ख़ानदान को, इसका तहफ़्फ़ुज़ और बका ज़रूरी है। इसके लिए निकाह और तलाक के वही क़वानीन फितरी हैं जो कुरान ने बयान किए, और पुरानी तालीमात भी उसी को फ़रोग़ देती हैं। फैमिली सिस्टम, फैमिली वैल्यूज़, नसब बहुत ज़रूरी होता है। तो खैर, बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि इससे ये एक मसले का हल तो सामने आया होगा।
लेकिन उन लोगों ने बास थोड़ी आना है जिन्होंने इस तरह की बातें घिनौनी करनी हैं। फिर इंशाअल्लाह ताला वो जो दूसरे सवाल हैं फिर उसको अगले दर्स में देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।